गुड मॉर्निंग क्लास थ्री। क्लास थ्री आज आपका लास्ट डे ऑफ क्लास इस चैप्टर का हाउसिंग एंड क्लोथिंग का लास्ट डे है क्योंकि ये चैप्टर अब कंप्लीट हो रहा है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैनमेड फाइबर। अभी तक हमने फाइबर क्लोथिंग सब के बारे में पढ़ा था, हाउस कैसे रखना चाहिए सब पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मैनमेड फाइबर क्या होता है। द फाइबर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड मैनमेड फाइबर। तो जो फाइबर जो ह्यूमंस प्रोड्यूस करते हैं उसे मैनमेड फाइबर बोला जाता है। उसके एग्जाम्पल है पॉलिएस्टर एंड नाइलन। तो पॉलिएस्टर फैब्रिक और नाइलन फैब्रिक से फैब्रिक मैनमेड फाइबर होता है क्योंकि ये हम बनाते हैं, इसे हम प्रोड्यूस करते हैं। रेनकोट एंड अम्ब्रेला दैट वी यूज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम रेन आर मेड ऑफ नाइलन। तो नाइलन से क्या बनता है, रेनकोट और अम्ब्रेला बनता है। और पॉलिएस्टर फैब्रिक से आप लोग वही सब बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। मतलब जैसे बैग्स हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ये सब आप बना सकते हो। तो जो फाइबर जो ह्यूमन प्रोड्यूस करते हैं वो मैनमेड है, और जो फाइबर नेचर से आता है, नेचुरल आता है, वो नेचुरल फाइबर है। और प्लांट और सेम डिफरेंस अगर देखा जाए तो प्लांट और एनिमल में, तो जो फाइबर प्लांट प्रोड्यूस करता है वो प्लांट फाइबर, और जो फाइबर एनिमल प्रोड्यूस करता है वो एनिमल फाइबर। तो यहाँ पे आपको पॉलिएस्टर फैब्रिक और नाइलन फैब्रिक का एक एक एग्जांपल दिख रहा है, वो भी आप देख लीजिए अच्छे से। और बस इस चैप्टर में इतना ही था कि हाउस कैसे बनता है और हाउस को कैसे आप क्लीन रखते हो, गुड रखते हो, एक अच्छे घर में रहने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्लोथ्स कैसे बनते हैं, क्लोथ्स कौन से सीजन में कैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स होते हैं, उसमें फाइबर लगता है तो फाइबर भी कितना डिफरेंट टाइप का होता है, यही सब था बस आपका। तो चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसका वर्कशीट अच्छे से कर लीजिएगा। एंड फॉर द नेक्स्ट क्लास आपको स्पेलिंग्स और स्ट्रक्चर वर्क जो मिलता है वो मिल जाएगा, उसको कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। अब मैं इसके बाद जो है रिवीजन स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर 5 और 6 का। ठीक है, थैंक यू क्लास।